अवर जनपद बदायूं की तहसील बिलसी से है, जहां 21 मई शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी बदायूं दीपा रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा शिकायत लेकर आए फरियादियों से संवाद कर उनकी शिकायतों को सुना गया। इस दौरान जमीन पर अवैध कब्जा, युवक को बंधक बनाकर रखे जाने, बीच चकमार्ग पर विद्युत लाइन खींचे जाने तथा पुलिस से संबंधित शिकायतों सहित कुल 143 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके साथ ही थाना इस्लामनगर क्षेत्र अंतर्गत रुदायन स्थित नेहरू इंटर कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा की गई शिकायत का पिछले 2 माह से निस्तारण नहीं होने पर संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित पदाधिकारियों को आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई। पेश है SSS24 न्यूज बदायूं 10 तक सच की यह रिपोर्ट। मैंने जिलाधिकारी के तहसील दिवस होने के कारण आज एप्लीकेशन एक पुनः दी है, तीसरी एप्लीकेशन। मैं पूर्व में 31/3/22 को एप्लीकेशन मेरे फादर की तरफ से, जो प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं और मैं नेहरू इंटर कॉलेज रुदायन में प्रिंसिपल हूँ, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन SDM साहब ने SDO इस्लामनगर को दी जा चुकी है। SDO इस्लामनगर से भी मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो खंभे लगे हैं चक रोड पर और आपके खेत में से, ये बिल्कुल गलत हैं। लेकिन आज तक उस चीज का, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आहत होकर आज मैंने आत्मदाह की चेतावनी दी है अधिकारियों के लिए कि अगर मेरा ये काम नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा। मैं भले ही सरकारी कर्मचारी हूँ लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा इन चीजों को, मेरी भी बर्दाश्त की सीमा। मैं तो चलो पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा होने के बावजूद मेरी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो जो बिना पढ़े लिखे गांव के किसान, गांव के अनपढ़ व्यक्ति होंगे, उनकी समस्याओं का कितना समाधान हो सकता है।